दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा। आज बहुत ज़रूरी बात करनी थी क्योंकि घटना कुछ ऐसी है कि अंदर तक सिहरन उठ गई है, अंदर तक हिला डाला है इस घटना ने। दरअसल दोस्तों, बिहार के सुपौल में एक स्कूल में फायरिंग की घटना होती है और जब उसके बारे में जानने की कोशिश की तो सामने आता है कि नर्सरी में पढ़ने वाले छात्र ने इसे अंजाम दिया था। तीसरी कक्षा के बच्चे को उसने गोली मार दी। सुपौल के त्रिवेणीगंज नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 16 में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल में ये गोलीबारी की घटना घटी। नर्सरी के एक छात्र ने बुधवार की सुबह स्कूल में फायरिंग की, जिसमें तीसरी कक्षा के एक छात्र को उसने गोली मार दी और वो जख्मी हो गया। घटना ने सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया। जाहिर सी बात है, घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुस्साए परिजनों ने हंगामा भी कर डाला वहाँ पर। अब जो जानकारी मिली है दोस्तों, उसके अनुसार त्रिवेणीगंज के लाल पट्टे स्थित सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा एक छात्र अपने बैग में बंदूक लेकर स्कूल पहुँच जाता है। बुधवार को नर्सरी में पढ़ने वाले उस छात्र ने बैग से बंदूक निकाली और उसी स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ रहे 10 वर्षीय छात्र पर गोली चला दी। पीड़ित छात्र की पहचान आसिफ के रूप में होती है, जिसे गोली लगी है। गोली बच्चे के बाएं हाथ में लगी, बाल बाल बच गया और इस हमले में जख्मी जरूर हुआ है, जिसका अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में इलाज चल रहा है। अब बताया तो ये जा रहा है कि नर्सरी कक्षा का उक्त बच्चा अपने बैग में हथियार लेकर स्कूल पहुंचा था और प्रार्थना से पहले उसने अपने बैग से इस हथियार को निकाल लिया और तीसरी कक्षा के छात्र पर उसने गोली चला दी। चर्चा है कि बच्चा अपने पिता का पिस्तौल जो थी वो बैग में लेकर स्कूल आया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल बच्चे के मामा बताते हैं कि प्रार्थना होने के बाद सभी बच्चे पढ़ने बैठे थे और इस दौरान स्कूल का ही वो बच्चा जो है पिस्टल लेकर क्लासरूम में घुस गया और उसने जो उनका भांजा है जिसको लगी है गोली, आसिफ जिसका नाम है, उसकी सीने में गोली मारनी चाहिए लेकिन भांजे ने बचने की कोशिश की और इस दौरान गोली उसकी हथेली के आर पार हो गई। जिसने गोली चलाई वो बच्चा भी स्कूल में ही पढ़ता है। वो इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँची और मामले की जांच चल रही है, हमला करने वाला बच्चा स्कूल से फरार हो गया है। वहीं पुलिस की ओर से अभी इस घटना को लेकर ज़्यादा कुछ बयानबाजी नहीं की जा रही है, ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा है और इस घटना ने स्कूल के अन्य बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको भी सदमे में डाल दिया है। सब हैरान परेशान कि आखिर ये क्या घटना हो गई है। और स्कूल प्रशासन के अनुसार घटना के बाद दोनों बच्चों के परिजनों को स्कूल बुलाया गया था और इसी दौरान आरोपी छात्र एकलव्य जो नाम है वो भी स्कूल प्रिंसिपल के चैम्बर में था, जहां उसके पिता भी मुकेश यादव जो थे वो घटना को लेकर इस बारे में उनसे बातचीत हो रही थी और मुकेश यादव हथियार सहित अपने बच्चे को लेकर फरार हो गए। लेकिन घायल बच्चे के परिजन ने इस दौरान हथियार का मैगजीन उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया, वो बस इतना ही कर पाए। अब दोस्तों ये जो घटना है ना, ये वाकई अंदर तक चौंका देने वाली है। आप सोचिए कि नर्सरी का बच्चा वो क्या समझता है, कितना समझता है, उसके मन में किस कदर वो नफरत आई होगी, क्यों आई होगी और कहाँ तक उसने ये सोच लिया होगा कि बस अब मुझे जो है सामने इस बच्चे को ख़त्म करना है। नर्सरी के बच्चे की बुद्धि समझते हैं आप? लेकिन यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, बच्चे जो होते हैं ना, पहले 5-6 साल जो होते हैं ना, बच्चा हर चीज़ आपसे लेता है, हर चीज़। उनकी सीखने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है उस वक्त कि आप जो देंगे वो यहाँ बिठा लेंगे, आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे वो हू बहू उनके अंदर चलता है और वो उसी चीज़ को उतारने की कोशिश करते हैं। अगर साइकोलॉजी आपने पढ़ी है तो बच्चा कभी भी कहने से, दिखाने से, पढ़ाने से नहीं समझता, नहीं सीखता, वो अनुसरण से सीखता है। वो हर चीज़ रिपीट करता है अपने टीचर के पीछे, अपने माँ बाप के पीछे, अपने परिवार के पीछे, सबसे ज़्यादा अनुसरण करता है। और आज इस घटना ने अगर आपको चौंकाया नहीं है तो अब ये वो समय है जब हर एक अभिभावक, हर एक इंसान को चौंक जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए। ये एक तरह से वो लाइन है जो
क्रॉस ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी ड्राइंग रूम में चल रही टीवी में जब आप नॉनस्टॉप नफरत भरे कार्यक्रम देखते हैं, नफरत भरी न्यूज देखते हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से दो धर्मों के बीच या जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव लोगों के दिमाग में पैदा करती है, ये होता है उसका असर। क्योंकि वो बच्चा वही देखता है, वही सुनता है, अपने माँ बाप से वही सुनता है, वो बाहर जाता है तो वही सुनता है, वही चीज़ें रिपीट 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 वो यही देखता है। और फिर उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये लोग ठीक नहीं हैं, इन लोगों से हमारी दुश्मनी है, ये हमारे दुश्मन हैं। और जिस तरीके की भाषा या जिस तरीके के विचार उस बच्चे को मासूम समझ के, अबोध समझ के उसके सामने उपयोग किए जाते होंगे, मुझे आपको बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से इस चीज़ में हद से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और ड्राइंग रूम में बैठ के देश भर की तमाम खबरों, तमाम घटनाक्रम पर जिस तरीके से नफरती सोच या नफरती कमेंट जैसे हम करते हैं, बच्चे से और कुछ उम्मीद करिए मत। मासूम है वो। आप सोचिए, एक स्लेट दी गई थी आपको जिसके ऊपर आपने ये सब लिख डाला है और लगातार लिख रहे हैं, अभी तक लिख रहे हैं। वो यही सुन रहा है शुरू से, वो यही देख रहा है आपके साथ जब वो ड्राइंग रूम में खेल रहा होता है भले ही, लेकिन उसके कानों में बराबर वही चीज़ें पड़ रही हैं, आपकी बातों से वही चीज़ें उसे समझ में आ रही कि ये जो है ना, ये ठीक नहीं है और इससे मुझे नफरत करनी है। नर्सरी का बच्चा कैसे वो हथियार उसको इतना इजीली अवेलेबल हुआ, कैसे वो स्कूल तक पहुंच गया, कैसे स्कूल में से भी अपनी क्लास से उसकी क्लास तक पहुंचना और फिर उसे गोली मारना निशब्दों। और इसकी वजह कहीं ना कहीं हम सब हैं, आप भी और मैं भी, हम सब हैं। हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं। कब तक देखेंगे आप इस तरह के नफरती शोज, नफरती डिबेट्स, जिस तरीके की सांप्रदायिक तनाव वाली सामग्री रात दिन परोसी जा रही है, जिस तरीके की जहरीली राजनीति हो रही है और उसके ऊपर आपको बड़े चटाके लेकर देखने में मज़ा आता है कि किस तरह उनकी हवा टाइट हो रही है और किस तरह हम हुड़दंग मचा रहे हैं, जिस तरीके से अपनी शोभा यात्राओं में जाते हैं और किस चीज़ को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मुझे पता है बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ये हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है। आपकी नफरत सिर्फ आप तक नहीं है, वो आपके बच्चों के अंदर जहर घुल रही है। और उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको सही गलत का ज्ञान देना, वो आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है। और आप क्या दे रहे हैं उसको, आप क्या दे रहे हैं? इस बच्चे का ये करना नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, धर्म से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह देती हूं कि आरोपी बदल जाते तो एक्सचेंज कर देते हैं। चलिए एक सेकंड के लिए, अब तक क्या हुआ होता बिहार में सोचिए, और बिहार में क्यों, पूरे देश में क्या हो रहा होता, मिसालें दी जा रही होती, शेयर किए जा रहे होते, नफरती कमेंट किए जा रहे होते और पूरे के पूरे एक धर्म को टारगेट कर दिया जाता। और अब लगे कि आग तो आएंगे कई घर जत में, यहाँ सिर्फ मेरा ही मकान थोड़े है। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोद रहे हैं वो आपके खुद के गिरने का कारण सबसे पहले बनेगा। आप जो नफरत दूसरों के लिए अपने बच्चे के मन में भर रहे हैं, आज आपको फरार होना पड़ा उस बच्चे को लेके, भागना पड़ा वहां से। और वो बच्चा जो अभी नए कुछ सीखने की उसकी शुरुआत हुई थी, उसने कदम रखा था और उसने ये सीखा
और वो सारी जिंदगी इस दंश को झेलेगा। कितना मुश्किल होगा उसके लिए पता है आपको? कितना मुश्किल होगा सोचिए। ये नफरत कहाँ लेकर जाएगी? ये नफरत कहाँ लेकर जाएगी इस देश को, समाज को, आपको, मुझको, इन बच्चों को कहाँ लेकर जाएगी? क्या मिला है आज तक नफरत से? मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं सोच नहीं पा रही इसके आगे कि एक नर्सरी का बच्चा एक तीसरी के बच्चे को गोली मार देता है, हथियार ले जाता है स्कूल में। किस लेवल पर नफरत हमारी चली गई है? किस लेवल पर हमारी सोच चली गई है? भारत में हमेशा सर्वधर्म संभाव रहा है, लेकिन आज सिनेरियो कुछ चेंज है। और ये पहला नमूना तो खैर नहीं है, लेकिन इस उम्र के बच्चों में ये नफरत का जो ये आप देख रहे हैं ना, ये आपके लिए मतलब खतरे की घंटी समझ लीजिए इसको आप। नहीं है मेरे पास और कुछ कहने को, नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगी कि बंद कीजिए वो नफरती शोज, बंद कीजिए वो देखना, बंद कीजिए वो चीज़ें जो आपके बच्चों को दंगाई बनाती है, आपके बच्चों को हत्यारा बनाती है, आपके बच्चों को जाने क्या बना रही है, जाने क्या बना रही है। जिन नेताओं की बातों पर रिएक्ट करके आप इस तरह के कमेंट करते हैं, आप इस मानसिकता वाले हो जाते हैं, उन नेताओं के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे होते हैं, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, और आप अपने बच्चों के मन में ये बढ़ते हैं और उन्हें दंगाई बना सकते हैं, बना रहे हैं। किसी शोभा यात्रा में जहां पर हुड़दंग मचती है, नेताओं के बेटे नहीं होते, कहीं नहीं मिलेंगे। जो कावड़िए धमाल मचा रहे हैं, आज बस तोड़ी, आज कार तोड़ी, आज इसको पीटा, आज उसको पीटा, आज यहाँ ये वो, नेता का एक भी बेटा नहीं है। कभी सोचा है इस बात पे? कभी किसी नेता के बेटे पर इस तरह की आंच नहीं आती है, क्योंकि नेताओं ने अपने बच्चों को सेव करके और आपके बच्चों को दंगाई बनाने का ठेका लिया है। और यहां मैं नेताओं का नहीं, आपका फेलियर समझती हूं कि आप उनको इस नफरत से बचा नहीं पाए। आपका फर्ज था, आप चाहते तो रख सकते थे दूर इस सब से, आप चाहते तो सही और गलत का फर्क उन बच्चों को समझा सकते थे, आप चाहते तो इस हुड़दंग से अपने बच्चों को रोक सकते थे, पर आप चाहते तो आप खुद उस भीड़ का हिस्सा बन गए। यही करते हैं दिन रात, फलाना धर्म ऐसा, फलाने लोग ऐसे, फलाने ये, फलाना वो, फलाना वो, जिस चीजों के बारे में आपको ज्ञान नहीं होता उस पर भी आप कमेंट करने के लिए आगे रहते हैं। कुछ भी नफरती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नफरती कमेंट से भरा पड़ा मिलेगा आपको, हो सकता है मेरी इस खबर के नीचे भी, बट आई जस्ट डोंट केयर। मेरा काम आपको सही बताने का है, मैं वो बताऊंगी। और इस खबर के बाद तो अब मैं अपनी और भी जिम्मेदारी समझती हूँ कि आपके मन के अंदर जो नफरत बैठी है ना, उसे अगर मैंने इतना सा भी कम किया ना, तो शायद मेरा, मुझे लगता है कि मैं सफल हो गई। इन बच्चों के मन में अगर नफरत बढ़ने से मैं ज़रा सी भी अगर मैं इन्हें बचा लूँ ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा पत्रकारिता का धर्म मैंने पूरा कर लिया। संभल जाइए, अभी भी वक्त है। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए कुछ चंद वोटों के खातिर आपके साथ खेल खेलते हैं, आपको इन चीजों में उलझाए रखते हैं, ताकि आप कभी कुछ और ना मांगो, आपका ध्यान बिल्कुल बस उसी चीज में रहे। धर्म की अफीम चटाते हैं आपको। कोई किसी का धर्म ले सकता है, छीन सकता है, कोई मुझसे मेरा ईश्वर छीन सकता है, किसी और धर्म जो कोई किसी और को मानता है, कोई किसी से छीन सकता है, नहीं छीन सकता। हमारा धर्म इतना कमज़ोर नहीं होता कि कोई दूसरा उसे आकर के और ख़राब कर दे, बर्बाद कर दे, या फिर उसको छीन ले, या वो खतरे में आ जाए। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप खुद ही उसको कमज़ोर कर दे रहे हैं। इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलिए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। अपने नेताओं से सवाल करना शुरू करिए कि मूलभूत आवश्यकताएं मेरी पूरी नहीं हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
चिकित्सा, रोजगार, विकास कहाँ है? बस धर्म। उस धर्म के लिए आपको नेताओं की जरूरत है। आपके नेता आकर आपके धर्म को मजबूत करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। क्यों, आप काबिल नहीं है? किससे खतरा है? आपको अपने आप से खतरा है। ऐसे लोगों से धर्म को खतरा है जो उसे कमजोर बताकर ऐसी चीजों से ध्यान हटा लेते हैं जो उसके लिए बेहद जरूरी है। आपको डराया जाता है और उस डर के साए में बस आप यही हरकतें करते हैं। और फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको खाने को रोटी नहीं चाहिए, आपको नौकरी नहीं चाहिए, आपको विकास नहीं चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आप बस उसी नशे में झूमते हैं, और जब तक खुद पर ना बीते तब तक झूमते हैं। इस घटना से समझ लीजिए कि ये आप पर बीता है। आज बिहार के सुपौल में बीता है, कल आपके घर में हो सकता है। समय रहते चेत जाइए और अपने बच्चों को बचाइए। इस नफरत की राजनीति से, इस नफरती माहौल से अपने आप को बाहर निकालिए। सही मायनों में चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, लिखिए, अपने आप को काबिल बनाइए, चीज़ों को वास्तविक तरीके से समझने, सोचने समझने की क्षमता पैदा कीजिए। और फिर देखिए कि चीज़ें वैसी कभी थी नहीं जैसी आपको दिखाई गई। आपका धर्म कभी खतरे में था ही नहीं, ना है, क्योंकि उसके पहरेदार आप खुद हैं, कोई नेता नहीं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। बचाइए अपने बच्चों को, इस नफरती माहौल से अपने बच्चों को बचाइए।